दोस्तों, अगर आपका पेटीएम फुल केवाईसी नहीं है और आपका पेटीएम वॉलेट में बहुत सारे पैसा फंस चुकी है और आप चाहते हो बिना किसी चार्ज के आपका वॉलेट का पैसा किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करना, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक्स बताएंगे जिस ट्रिक से आपका वॉलेट का पैसा बिना किसी चार्ज की इंस्टेंट आपका किसी भी बैंक या किसी भी UPI ID पे आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपका अकाउंट फुल KYC होने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप भी चाहते हो आपका वॉलेट का बैलेंस किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र करना, तो ये वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन, आप देख रहे हो न्यू टेक्टेंगल। चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना आगे इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना अकाउंट को आपको दिखा देती हूँ कि मेरा अकाउंट अभी फिलहाल फुल KYC है या नहीं है। तो इस अकाउंट के लिए मैं पहले थ्री डॉट पे क्लिक कर देती हूँ। तो दोस्तों उसके बाद मैं अपना लोगो पे क्लिक कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे दिखा रहा है अभी फिलहाल एक्टिव है। देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा मंथली 10,000 लिमिट है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपग्रेड पे क्लिक कर लूँगी तो यहाँ पे देखो नीचे मुझे दिखा रहा है अपग्रेड योर अकाउंट। अपग्रेड योर अकाउंट पे अगर मैं क्लिक कर लूँगी, देखो यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्ट ए मेथड फॉर अपग्रेड योर अकाउंट वीडियो KYC। तो देखो दोस्तों फिलहाल मेरा अकाउंट फुल KYC नहीं है, मिनी KYC है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं अपना वॉलेट बैलेंस आपको दिखा देती हूँ। तो देखो दोस्तों मेरे वॉलेट में फिलहाल 10 रुपीज़ है। और चलिए मैं अपना बैंक बैलेंस भी आपको दिखा देती हूँ, मेरा बैंक अकाउंट में फिलहाल कितने रुपीज़ है। तो देखो दोस्तों मेरा बैंक अकाउंट में भी 2615.76 रुपये है। देखो दोस्तों अब आपको मैं दिखा देती हूँ बिना किसी चार्ज के आप कैसे अपना वॉलेट का बैलेंस किसी भी बैंक या UPI ID से इंस्टेंट ट्रांसफर कर पाओगी। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको होम पेज पे आना होगा। दोस्तों होम पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखो एक चार्ज वाला ऑप्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको चार्ज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों चार्ज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा रेंट RENT। दोस्तों अगर आप यहाँ पे रेंट पे सर्च कर लोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखा रहा है रेंट पेमेंट। तो दोस्तों आपको रेंट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों रेंट पेमेंट पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगी। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगी, टू UPI ID टू बैंक अकाउंट। दोस्तों अगर आपका पैसा आप UPI ID से ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना UPI ID डाल देना। तो फिलहाल मैं अपना बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर लूँगी, इसीलिए मैं टू बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेती हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स दे देती हूँ। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे बैंक नंबर दे देती हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से कंफर्म कर लेती हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अपना IFC कोड डाल देती हूँ। दोस्तों उसके बाद लास्ट में मैं अपना नाम डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे डिटेल्स भर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाएगी प्रोसेस का। तो दोस्तों आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों प्रोसेस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा कोई इंटरफेस आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अमाउंट दे देना है, आप अपना कितना बैलेंस वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ ट्रांसफर करके आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों पैसे को डाल देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी प्रोसेस टू पे। तो दोस्तों आपको प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान से देख लेना है। देखो यहाँ पे मेरा 3 ऑप्शन दिखा रहा है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पेटीएम बैलेंस। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले 2 अकाउंट लिंक कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे पेटीएम बैलेंस पे टिक मार्क कर देना है, नहीं तो आपका ऊपर में जो बैंक अकाउंट होगा उसी से आपका पैसा कट जाएगी। तो चलिए मैं अपना वॉलेट पे क्लिक कर लेती हूँ। दोस्तों वॉलेट पे क्लिक कर देने के बाद नीचे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है पे का। तो दोस्तों आपको पे पे क्लिक कर देना है। दोस्तों पे पे क्लिक कर देने के बाद देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज वेट व्हाइल वी प्रोसेस योर पेमेंट। उसके बाद देखो दोस्तों इंस्टेंट आपका वॉलेट पैसा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। थोड़ा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों ऊपर में मेरा ऑप्शन आ गया है पेमेंट सक्सेसफुल। तो चलिए दोस्तों मैं अपना वॉलेट बैलेंस और आपका बैंक अकाउंट बैलेंस दिखा देती हूँ। तो देखो दोस्तों मेरा वॉलेट से मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके लिए हम पासबुक पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों अभी मेरा पेटीएम बैलेंस 0 रुपीज़ दिखा रहा है। वॉलेट में मेरा जो 10 रुपीज़ था वो ट्रांसफ़र हो गया। अगर आपको मैं हिस्ट्री में दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो हिस्ट्री में देखो दोस्तों टाइम भी देखो 12:26, यहाँ पे देखो दोस्तों 12:23, 14 अक्टूबर देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको मैं अपना बैंक अकाउंट भी चेक करके दिखा देती हूँ।
तो देखो दोस्तों, पहले मेरे अकाउंट में 2615.76 रुपया था, लेकिन अभी देखो फिलहाल मेरे अकाउंट में 2625.76 रुपया है। तो दोस्तों ऐसे तरीके से आप अपना वॉलेट बैलेंस किसी भी बैंक अकाउंट या UPI ID से इंस्टेंट ट्रांसफर कर पाओगे। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।